ईमान जब क्लास फोर में थी, इनके स्कूल में फुटबॉल को स्टार्ट किया गया। वहाँ पे सर वहीद थे, उन्होंने इसको कहा कि ईमान आप फुटबॉल खेलें। पहले ये बास्केटबॉल खेलती थी, फिर इसने वहाँ पे फुटबॉल का स्टार्ट लिया। उसी दौरान 2012 में वो यहाँ पे लाहौर में नेशनल चैम्पियनशिप आ गई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैम आप इसको हमारे साथ लाहौर भेजें। तो ईमान बहुत छोटी थी, बहुत शाये भी थी, ये कभी घर से बाहर अकेले नहीं गई थी। तो मैंने उनसे कहा कि बाहर तो भिजवाना इसको लाहौर, आउट ऑफ सिटी बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा मैम नहीं, आप इसको एक दफ़ा भिजवाएं, इस बच्ची में बहुत टैलेंट है, इंशाल्लाह बहुत आगे तक जाएगी, आप इसको मेरे कहने पे एक दफ़ा भिजवा दें। तो मैंने फिर इसको इनकी टीम के साथ जा रही थी सीनियर बच्चियों में से असमारा, उनसे फिर मैंने बात की। उन्होंने मुझे कहा कि आप बेफिक्र होके इसको मेरे साथ भेजें। और फिर मैं बार बार रास्ते में बस में ये जा रही थी, वहाँ भी मैं फ़ोन करके पूछूं ईमान कैसी है, परेशान तो नहीं है। लाहौर जब ये पहुँची फिर मैं बार बार फ़ोन कर रही थी, उन्होंने कहा जी ईमान बहुत खुश है, ठीक है। फिर ईमान वहाँ पे इतना अच्छा खेली कि इनको, बहुत छोटी थी 12 ईयर्स की थी, इनको सीनियर टीम में ले लिया गया। उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची बहुत अच्छा खेल रही है। उसके बाद फिर ये इनका सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ पे ट्रेनिंग होती थी, कभी ये चेट में होती थी, कभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होती थी। ईमान के साथ में खुद जाती थी, ईमान को पिक एंड ड्रॉप देना, और वहीं सारा टाइम मैं बैठी रहती थी। इससे पहले मुझे कोई गेम वगैरह में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब मैं इनके साथ रहती थी, सारा देखती थी इनको, फिर मेरा भी अपना इंटरेस्ट भी हो गया उसमें। फिर इन लोगों ने मुझे कहा कि आप एज अ मैनेजर हमारे साथ काम करें, क्योंकि यहाँ गर्ल्स टीम के साथ कोई मैनेजर नहीं है लेडीज़। फिर मैंने इनके साथ काम शुरू कर दिया। और फिर ईमान दोबारा गई लाहौर, फिर इनके साथ में गई, इनकी टीम के साथ गई, पूरी टीम लेके मैं गई हूँ। अंडर 16 लेके गई हूँ, फिर अंडर 19 लेके गई हूँ, फिर सीनियर टीम के साथ गई हूँ। बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। बच्चियाँ हमारी जो हैं बहुत टैलेंटेड हैं, अगर इनके साथ इनको सहूलतें दी जाए जैसे दूसरे मुल्कों में हैं, तो हमारी बच्चियाँ भी माशाल्लाह किसी से कम नहीं और बहुत आगे तक जा सकती हैं। एक दो दफ़ा ईमान ग्राउंड में गिर भी गई और इनकी इंजरी हो गई, इनके टांगों पे काफ़ी जो है ना चोट वगैरह लगी। पहले मैंने तो सोचा कि ये तो बहुत मुश्किल काम है, मेरी बेटी है, इसको जो है ना इस तरह की चोट लगी तो ये आगे कोई मसला ना बन जाए। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, बच्ची के अंदर वो बेटी मेरी भी जो है ना, मैं घबरा जाती थी लेकिन वो नहीं घबराती थी, कहती थी मामा ओके कोई नहीं है, गेम में ये होता है। तो फिर मैं उसको देख के मैं भी नहीं घबराती थी, मैं कहती चलें ठीक है, अगर बच्ची के अंदर ये है तो मुझे भी नहीं। अगर आपके बच्चों में कोई भी टैलेंट है किसी किस्म का भी, तो आप उनका साथ दें। आपके बच्चे जब आप उनको कॉन्फिडेंस में लेते हो, आप उनका साथ देते हो, तो आपके बच्चे आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं और बहुत आगे तक जा सकते हैं।